मिर्ची पाउडर डालकर व्यापारी से 20 लाख रुपए की लूट की लुटेरे ने की कोशिश। कृषि उपज मंडी के पास स्मृति बैंक के बाहर की घटना। मंदसौर वार्डी नगर थाना क्षेत्र के कृषि उपज मंडी के पास स्मृति बैंक के बाहर व्यापारी पैसे लेकर निकला। इसी दौरान एक युवक ने मिर्ची पाउडर डालकर बैग छीनने का प्रयास किया। बैग के अंदर 20 लाख रुपए थे, पर व्यापारी ने पैसे से भरा बैग नहीं छोड़ा और लुटेरा बैग को काफी छीनने का प्रयास करता रहा और दोनों के बीच कुछ देर तक छीना चपटी होती रही। और पास के बैंक के एक युवक कार्य कर रहा था, उसी दौरान व्यापारी के पास आया तो लुटेरा वहां से भागने में कामयाब हो गया। मौके पर वार्डी नगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक, विनय बुंदेला और अन्य जवान मौके पर पहुंचे। कृषि उपज मंडी के व्यापारी अरविंद बोथरा ने मीडिया से चर्चा करते हुए 3:35 पर मंगलवार को बताया कि बैंक से 20 लाख रुपए लेकर निकला था और इसी दौरान मिर्ची पाउडर डालकर बैग छीनने का प्रयास किया, पर लुटेरा नाकाम रहा। पर मंदसौर शहर में इस तरह की घटनाएं दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए लुटेरे घूम रहे हैं। जिस बैंक से व्यापारी पैसे लेकर बाहर निकला था, उस बैंक के बाहर गार्ड भी नहीं था और सीसीटीवी कैमरे भी अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हुए हैं। इस मामले में वार्डी नगर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। स्मृति बैंक के मैनेजर अश्विन पौरवाल ने बताया कि काफी समय से यहाँ पर गार्ड नहीं है। गार्ड को लेकर पहले अवगत कराया था। इस बैंक में रात के दौरान गार्ड आता है, पर दिन में कोई गार्ड नहीं रहता। मंदसौर जिले में कई बैंक बिना गार्ड के चल रहे हैं। प्रशासन को गंभीरता से लेते हुए जिन बैंकों में एवं जिन एटीएम पर गार्ड नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। पर देखने में आता है कि कुछ रसूखदार और कुछ राजनेताओं के बैंक भी संचालित हो रहे हैं, इसलिए प्रशासन उन पर कठोर कार्रवाई नहीं कर पाता। फिलहाल वार्डी नगर पुलिस मामले की जाँच कर रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। नागरिक स्मृति बैंक है और बैंक में हम प्रतिदिन बैंक मंडी का हमारा काम है और मंडी के लिए पेमेंट लेने के लिए हमारा रूटीन में आना रहता है और शायद हो सकता है वही कारण रहा होगा। और जैसे ही बैंक से पेमेंट लेकर निकला और निकलने के बाद जैसे ही मैं गाड़ी के ऊपर बैठा झोला रखने के लिए, पीछे से आकर एक अज्ञात व्यक्ति ने मेरे मुँह पर मिर्ची डाली और मिर्ची लेकर झोला लेकर भागने लगा और मैंने तुरंत उस झोले को ज़ोर से पकड़ लिया और झोला खींच नहीं पाया वो और किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ राशि के रूप में, पर वो व्यक्ति मेरे से लेके भाग गया और मेरी गाड़ी नीचे गिर गई। क्या लेके भागा आपसे? नहीं, लेके कुछ नहीं भाग पाया, झोला ले जा रहा था वो। हाँ। ले कुछ नहीं जा पाया। कितना पेमेंट था उसके अंदर? लगभग 20 लाख रुपया था। तो क्या लगता है किसी ने रेकी वगैरह करी थी? आप क्या मानते हैं? हाँ, संभवतः हो सकती है कि बैंक में रूटीन में व्यापारियों का मंडी व्यापारियों का आना रहता है, तो हो सकता है उसने कोई किसी प्रकार की रेकी की होगी। क्या यहाँ पे गार्ड वगैरह है क्या बैंक के बाहर? बैंक में कोई गार्ड नहीं था उस समय में, घटना के समय गार्ड नहीं था। बैंक के बाहर सीसीटीवी भी नहीं दिखा? सीसीटीवी के कैमरे में अभी आधा हिस्सा आ रहा है, पूरा नहीं आ पा रहा है। क्या नाम आपका? अरविंद बोथरा। यहाँ पे अंकल आए थे, बैग लेके आए थे, ये चिल्लाने लगे इतने, उन्होंने आँखों में मिर्ची भी नाक दी थी, एक आँख में मिर्ची नाक दी थी उन्होंने। हाँ। वो इस तरफ भागा था और अंकल के थोड़े पैसे भी गिर गए थे, फिर अंकल अंदर चल गया, फिर मैंने पैसे उनको वापस अंदर जाके दिए। हाँ। वो इस तरफ भागा था, वाइट कलर का शर्ट पहन रखा था उसने, शायद क्रीम कलर का। पैदल आया था गाड़ी से? आया था ये मालूम नहीं, पैदल आया था गाड़ी से आया था, बाकी इधर ही भागा वो। कितने लोग थे? एक ही था। क्या बड़ी घटना हो जाती है आज? बड़ी घटना हो जाती है यहाँ पे, मतलब कैमरे भी सही नहीं है यहाँ पे, इस कैमरे में धुंधला धुंधला आ रहा है, कैमरे भी सही नहीं है, कैमरा भी सही लगवाना चाहिए यहाँ पे। अभी हुई थी 2:45 पे, एक लड़का खड़ा था यहाँ पे और सर की आंखों में मिर्ची डाल के बैग छीन के भगने की कोशिश करी उन्होंने, मगर वो ले जा नहीं पाया, सर ने बैग वगैरह छोड़ा नहीं, तो फिर सर अंदर आ गए थे और फिर हम बाहर आए और देखा तब तक तो वो चला गया था। आपकी बैंक के यहाँ पर तो कैमरे लगे हुए अच्छी क्वालिटी के नहीं लगे हुए? नहीं, अच्छी क्वालिटी के तो लगे हुए हैं सर, मगर वो धूप की वजह से दिख नहीं पाया था और वो बंदा थोड़ा दूर भी खड़ा था। दूसरा दूसरा आ रहा है कैमरे में। हाँ, वो ऐसा ही दिखेगा धूप की वजह से। तो क्या लगता है क्वालिटी की नहीं, अच्छी क्वालिटी? नहीं, क्वालिटी की तो अच्छी है। एटीएम पे लगा हुआ लेकिन गार्ड की व्यवस्था? हाँ, गार्ड की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है गार्ड की व्यवस्था? सर करवानी है अभी। कब से नहीं गार्ड की व्यवस्था? सर पहले से ही नहीं है। कितने साल हो गए? उसको तो टाइम हो गया सर। क्या आप लोगों ने लिखित में दे रही है क्या? सर बोला भी है हमने पहले हेड ऑफिस में हमारे। हाँ, तो सुनवाई नहीं हो रही क्या? नहीं, करवाना है सर। रात को आता है सर गार्ड? दिन में नहीं होता? दिन में नहीं है, दिन में करवाना है। क्या नाम आपका? सर अश्विन पौरवाल।